घरों में रहकर अपना और अपनों का साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को, हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं, बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। खबर है राजनांदगांव जिले के सालेबारा का, जहां पर कन्या छात्रावास क्वारंटाइन सेंटर में गंभीर अव्यवस्था, भूखे प्यासे मजदूर कोई ध्यान नहीं दे रहा। खबर के अनुसार सालेबारा ये वो लोग हैं जो अपना व अपने परिवार का बेहतर पालन पोषण कर सके व जीवन स्तर को उन्नत बना सके, इसे तो इस वनांचल से हजारों लोग जीवन की उन्नति व परिवार के बेहतर पालन पोषण हेतु महानगरों की ओर खाने कमाने हेतु कुछ करते हैं, क्योंकि यहां कमाई करने के कृषि के अतिरिक्त साधन नहीं है। इसी कड़ी में बैंगलोर व हैदराबाद से कमा खाकर वापस लौटे आम गांव गोपाल टोला, देवपुरा व गोंगले के कुछ पुरुष महिला मजदूरों ने अपनी वापसी की जिम्मेदारी नर्मदा पहुंचकर व वहां से निकलने के पूर्व दी थी। वह कहा कि हमें अपनी अपनी पंचायतों में व्यवस्था बनवा दो, यहां पहुंचने पर रात होने व पानी गिरने के चलते उन्हें शासन प्रशासन द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था बतौर कन्या छात्रावास में रुकवाया गया और यह कहा गया कि सुबह होते ही संबंधित पंचायतों में भेज दिया जाएगा। लेकिन आज 14-15 दिनों से ये लोग यही हैं, आगे किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इनका कहना है कि हम लोग थोड़ी चाहते हैं कि हमें कोरोना हो, हमें भी अपने जान व परिवार की खूब चिंता है। आज इन्हीं में से 5 कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर इनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। ये लोग बता रहे थे कि स्वास्थ्य विभाग के आए हुए कर्मचारी जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, उनका पुनः जांच होगी व पुनः क्वारंटाइन में रहना होगा। इनसे अधिक जानकारी लेने पर यह पता चला कि कुल 11 लोग क्वारंटाइन में रखे गए थे, जिनमें 6 शेष हैं। टोटल 11 क्वारंटाइन लोगों में आम गांव ग्राम पंचायत, देवपुरा पंचायत व कोसमर्रा पंचायत के मजदूर हैं। इन्होंने अपना दुखद वृत्तांत बताते हुए वीडियो के माध्यम से शासन प्रशासन व ग्राम पंचायत से गुहार लगाई है कि कृपया हमारा ख्याल रखें व हमें घर के नजदीक हमारी पंचायत में क्वारंटाइन में रखें, जिससे हम शुद्ध पानी पी सकें व दोनों समय खाना खा सकें। इनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें कल रात के बाद से भोजन तक नसीब नहीं हुआ है। घर व सेंटर से किसी का 10 किलोमीटर व किसी का 6 किलोमीटर व किसी का 3 किलोमीटर दूर घर में साधन व पुरुष सदस्यों के न होने से ये लोग भूखे ही समय व्यतीत करने मजबूर हैं। यहाँ तक इनका कहना है कि यहाँ शुद्ध पानी पीने का उपलब्ध नहीं है, सारी सुविधाओं का रोना है। इतनी बुरी व्यवस्था तो किसी गंभीर आरोप के कैदी के साथ भी नहीं होता। जेल में उन्हें भी समय समय पर भोजन व सारी सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। तो हम बाहर कमाने गए तो इसमें हमारा क्या दोष, और हम नहीं जानते थे कि कोरोना आएगा व हमें ऐसे दुखदाई दिन देखने मिलेंगे। इनकी बातें व स्थिति देख सुनकर इंसानियत कहां विलुप्त हो गई है, क्या और लोग भी नहीं होंगे जो जानते होंगे कि हमारे गांव का फलाना व्यक्ति को कहां रखा गया है, खाने पीने को मोहताज है। ये लोग इनकी प्रशासन से अपील की है कि इनका ख्याल रखा जाए, नहीं तो इन्हें यहाँ से इनके घर जाने दिया जाए। हम लोग अपना ख्याल रख ही लेंगे, घर में सुकून का 2 वक्त का खाना तो जुगाड़ कर ही लेंगे। ये बीड़ियों की जकड़न से हमें मुक्त करें, कोरोना से हम कम मरेंगे, ये भूख प्यास हमें कोरोना होने से पहले ही मार डालेगी। आप बताइए, आपको खाना पीना यहाँ कुछ खाए पिए नहीं, आप बता रहे थे। हम तो आज रात से नहीं खाना खाए जी, आज सुबह भी नहीं खाए, अभी पानी में है, अभी एक बॉटल पानी मांग खिलाए थे, वो पानी पी पी के हैं आज दिन भर। तो आज आज और अभी खाना नहीं है, खाना लाते थे पूरा, और सवेरे तो पूरा गीला हो जाते खाना, शाम के खाता फिर सुबह खाता उस खाना, एक टाइम लाते थे। रात से खाना नहीं खाया, नहीं खाना खाया नहीं है। इनको खाने में भी इतनी दिक्कत आ रही है कि पंचायत प्रशासन इनके लिए देखने को भी तैयार नहीं। आप देखो, ये सालेवारा जिला राजनांदगांव का मामला है। सरपंच को बताते हैं तो उसको सचिव भेज रहा हूँ, तो उसको भेज रहा हूँ कहता है, और सचिव नहीं आता ना कोई भी नहीं, और भेज तो दिया हूँ और कहता है घर से, सचिव आज तक नहीं आया ना, सरपंच भी नहीं आता यहाँ, देपुरा पंचायत, देपुरा पंचायत, और एक सचिव लगाते हैं कमारदा में हूँ कहता है। अच्छा, सचिव सरपंच का नाम बता दीजिए आप एक बार। दीपक सरपंच अग्रवाल, दीपक सरपंच अग्रवाल, और सचिव है सुरेश झारिया, कमरदा हूँ कहता है, कमरदा से फोन लगा रहा हूँ, सब चीज तुम्हारे लिए आएगा कहता है, कुछ नहीं आता अभी तक। ऐसा हो जी जी, कवर्धा में पोस्टिंग है क्या उसकी, भगवान मालूम नहीं, कवर्धा में रहते हैं क्या है? अब पूछो, और कवर्धा में नहीं रहते, सहसपुर में रहते, फिर कवर्धा बोलता है।
आने में क्या प्रॉब्लम है सचिव और सरपंच को? कम से कम देख तो सकता है यहाँ के क्या प्रॉब्लम है हमारा, तो दूर से नहीं आता प्रॉब्लम, वो भी तो समझे, यहाँ दूर से दिखा दे हमको, हॉस्टल में जाओ वहाँ करके इधर ला के डाल दिए जानवर के, पंचायत में रखता तो वहाँ तो सेफ रहते हैं, ये कोरोना जो निकला है उसके चक्कर में तो हम लोग नहीं पिसाते ना अभी। मतलब आपकी गुहार ये है कि हमको खाना मिल सकता है या तो फिर हमको हमारे गाँव के पंचायत में रखा जाए? पंचायत में रखा जाए, फिर बाहर से आएगा फिर किसी को हो जाएगा तो फिर 14 दिन रुकेंगे क्या? कोरोना तो किसी न किसी को होना है, होना लेकिन है, ऐसा ही फिराते रहेंगे हम लोग, शर्मसार कर देने वाली यहाँ पानी वानी का सबका प्रॉब्लम है, पानी पीने का प्रॉब्लम क्या है, बोरिंग का पानी वाला पानी को पीते हैं हम लोग, मूलभूत आवश्यकताएं है यार, पानी है, भोजन है, कुछ बोलो उसको तो बोलता है प्रशासन से, सालेवार पंचायत में रहे तो सालेवार वाला जाने, आज तक आप ऐसा कोई हो सकता है तो भेजे क्यों? बहुत 13 दिन हो गए आपको यहाँ कोरोना पॉजिटिव बताया गया है कि नहीं? नहीं सर कुछ नहीं बताया, अभी वो सैंपल बताया, रिपोर्ट आया परसों 27 तारीख को आया रिपोर्ट, उसमें सैंपल बताया जी, हमारे भाई लोग भी था उनको कोरोना पॉजिटिव मिले गए है, मेरे छोड़ा ही छोड़े हैं। तो आप कौन सा पंचायत के हैं, कहाँ से हैं आप? हमारा पंचायत से सर गोंगले का, गोंगले, क्या नाम है आपका सरपंच का? उसका दिनेश साहब है। सचिव का नाम? उसका सुखचैन है सर। सुखचैन, तो ये अभी आए हैं आपको मिलने, अभी तक जितने दिन हुए उतने दिन आज आया सर, लेकिन कुछ नहीं बोला। हाँ। एक दिन हम लोग बुलाया, उसके बाद आया, उसको बोला सब्जी उब्जी ला दो करके, हाँ। तो दूसरे आदमी को भेज रहा हूँ बोल दिया, फिर आया नहीं होता दोबारा। तो आपको सचिव सरपंच भी कुछ नहीं मिल रहा है? सर एक बार दिया है 6-7 किलो चावल दाल दिया है, हाँ। उसके बाद कितना दिन पूरेगा सर 5-5 आदमी को? अच्छा। लकड़ी नहीं कुछ भी नहीं, जलाने के लिए ना पानी नहीं, क्या करेंगे कैसे खाएंगे उसको जी, ऐसे ही थोड़े गाय गरुआ थोड़ी वैसे ही खा लेंगे जी। तो आपके यहाँ लाने जाने वाला कोई नहीं है सर? कोई मदद मिले नहीं है सर, मेरा भाई वो बेलगाम रहता है सर, उधर से कहाँ लाएगा, भाई एक आदमी है, माँ बाप माँ को रखते हैं, उस घर में गाड़ी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, साइकिल भी नहीं है। कितना किलोमीटर घूमे यहाँ से? यहाँ से 8 किलोमीटर है सर, सालेवारा से 8 किलोमीटर पड़ेगा। राजनांदगांव के सालेवारा से पारसमणि भारती के साथ चंद्र कुमार कोसरे की रिपोर्ट, RJ रमझाझर।